टाइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें टॉपिक होगा यूनान में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूनान जो आपका देश था उसमें तुर्की के ये आपका अधीन था, ये तुर्की साम्राज्य का अधीन था। अब ये अपने अलग होने के लिए, अपने आप स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन चलाएंगे और वो आंदोलन के द्वारा क्या होगा दोस्तों कि ये स्वतंत्र हो जाएंगे। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। आप ये जो यूनान देश था ये तुर्की साम्राज्य के अधीन था। पहला पॉइंट तो आपका समझ गए कि यूनान पर किसका कब्जा था, तुर्की का कब्जा था। अधीन मतलब कब्जा था, कि यूनान देश जो था तुर्की साम्राज्य के अधीन था, मतलब तुर्की देश के कब्जा था। अब ये है क्या कि मतलब इनसे अलग होने के लिए, तुर्की साम्राज्य को अलग करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। कौन? यूनान ने चलाया। ठीक, अब इसी में मतलब है कि यूनान देश में जो ईसाई जगत था वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च में बटा हुआ था, दो भागों में बटा था। मतलब ईसाई जो जगह था वो दो लोगों को मानने वाले थे, एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले थे और एक रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे। अब ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले कौन थे, एक रूस और यूनान था, और रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाला तुर्की था। अब आगे चलकर जो यूनान में, जो आपका यूनान में जो आंदोलन किया गया, ये हितेरिया में फिलाइक संस्था ओडिशा बनाई गई। हितेरिया फिलाइक एक संस्था बनाया गया, कहाँ बनाया गया? ओडिशा में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हितेरिया फिलाइक संस्था कहाँ बनाई गई थी, ओडिशा में बनाई थी। ओडिशा कहाँ भाई साहब? यूनान में। अब इसका उद्देश्य क्या था, इस संस्था का उद्देश्य क्या था कि तुर्की शासन को यूनान से अलग करके, निष्कासित करके यूनान को स्वतंत्र बनाया जाए। तुर्की शासन के यूनान से निष्कासित कर दिया जाए और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र जो है बनाया जाए, इस संस्था का यही उद्देश्य था। आगे चलकर आपका है कि इंग्लैंड के एक महान कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। ये यूनानियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए शहीद हो गए। यूनानियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यूनान में ही क्या हो गए? शहीद हो गए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूनानियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यूनान में अंग्रेज का एक महान कवि, इंग्लिश एक महान कवि कौन सा शहीद हो गया? तो थे लॉर्ड बायरन। कौन थे? लॉर्ड बायरन। 1921 में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी, अलेक्जेंडर चिप सिलांटी ने के नेतृत्व में यूनान में क्या हुआ? और ज्यादा विद्रोह चालू हो गया। और 1826 में, 1826 में, सॉरी दोस्तों यहां पर होगा 1821 में, 1821 में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में क्या हो गया? विद्रोह। और इस विद्रोह में आप कहा कि आगे चल 26 में क्या हुआ कि ब्रिटेन और रूस में समझौता हुआ। ब्रिटेन और रूस में समझौता हुआ कि तुर्की यूनानी विवाद को मध्यस्थता करेंगे, तुर्की यूनानी जो विवाद है उसमें मध्यस्थता करेंगे। ठीक है ना, मतलब मध्यस्थता करेंगे। फिर आगे चल एक साल बाद 1857 में एक लंदन में सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय कर लिया कि अब तो कार्रवाई करेंगे। और आपका है क्या, इन तीनों की सेना ने नवरानियों की खाड़ी में, नवारिनों की खाड़ी में तुर्की से युद्ध लड़ना चालू किया। और तुर्की के साथ जो देने वाला था वो मिस्र था, लेकिन यहाँ पर तुर्की जो है बुरी तरह से हार जाता है, पराजित हो जाता है। और अंत आपका 1829 में एड्रियानो की संधि होती है, और किसके साथ होती है? तुर्की के साथ। तुर्की के साथ एड्रियानो और एड्रियानोपल की संधि होती है 1800 कब दोस्तों? 29 में होती है। और आगे चलकर 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। और इस स्वतंत्र राष्ट्र का जो शासक, जो मतलब राजा किसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि बाबेरिया शासक आटो को बनाया जाता है। बाबेरियन शासक सुनाता है, आटो को स्वतंत्र यूनान का शासक बनाया जाता है। तो ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे यही पूछ लिए जाते हैं कि एड्रियानो की संधि जो है किसके साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ हुई थी, ये आप याद रखेंगे। और कब हुआ था? 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। फिर नवारिनों की खाड़ी में किसके साथ युद्ध हुआ था? तुर्की और मिस्र एक तरफ थे, एक पार्टी, और दूसरी पार्टी कौन थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। लेकिन हार किसकी हुई? तुर्की का हुआ भाई साहब। किसकी जीत हुई? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का हुआ, यानी कि यूनान का हुआ। यूनान ये सब मिले हुए थे। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए। आप इतना जो है आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पीडीएफ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट, जितना मैंने आपको शॉर्टकट समझाया वो सारी बातें लाइन से डिटेल में लिखी हुई है,
आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब में कभी मत कीजिए, बहुत ज्यादा ज्यादा लाइक। कहानियां स्टार्ट हो गई। देखिए तो हंगरी में क्या हुआ, देखिए तो कोसुथ और फ्रांसिस डेक आंदोलन शुरू किया। हंगरी में आंदोलन कौन शुरू किया याद रखना, तो कोसुथ और फ्रांसिस डेक ने आंदोलन क्या किया शुरू किया। और जो कोसुथ जी थे ये लोकतांत्रिक विचार के समर्थक थे और ये अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे, अपनी बात को ये वर्गहीन समाज तक पहुंचाना चाहते थे, जो क्लासलेस सोसाइटी थी वहां तक पहुंचाना चाहते थे। और अंततः 11 मार्च 1848 को राष्ट्रीय जो हंगरी की सरकार थी वो बात मान लेती है और जो भी ये कहते हैं वो बात को मानती है। अब रिजल्ट निकल कर क्या आता है कि प्रेस को स्वतंत्रता मिल जाती है, प्रेस सवाल पूछ सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना की स्थापना की जाती है और प्रतिनिधि सभा यानी कि डायट की बैठक जो है प्रति वर्ष हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात जो है स्वीकार की जाती है। तो ये सवाल बार बार पूछ जाते हैं कि हंगरी की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो बुडापेस्ट है, कौन सी है, बुडापेस्ट। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने क्या देखा, कोसुथ हंगरी में जो है कोसुथ और फ्रांसिस डेक ने आंदोलन शुरू किए, कोसुथ लोकतांत्रिक विचार के समर्थक थे और अपने बात को वर्गहीन समाज तक पहुंचाना चाहते थे। अंततः 31 मार्च 1848 को राष्ट्रीय सरकार बात मान लेती है। रिजल्ट निकल कर यह आता है कि प्रेस को स्वतंत्रता मिल जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की जाती है और प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रति वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाई जाती है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, यह प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। पोलैंड में विद्रोह दोस्तों हुआ क्या, 1830 की क्रांति का प्रभाव जो है पोलैंड में पड़ा और इस प्रभाव में आकर रूस के खिलाफ पोलैंड ने क्या किया, रूस के खिलाफ 1863 में विद्रोह हुआ। लेकिन इस विद्रोह में क्या हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस का जो है मदद यानी कि साथ जो है नहीं मिला। अब मदद इंग्लैंड और फ्रांस का नहीं मिला तो इस विद्रोह को जो रूस है वो कुचल दिया, मतलब जो आपका पोलैंड में विद्रोह हुआ वो मान के चलिए कि असफल हो गया। तो आप और फिर आगे बोहिमिया में क्या हुआ कि बोहिमिया जो है ये किसके अंतर्गत आता था, आप याद रखिएगा ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत आता था। पूछ लेगा आप देखते हुए बोहिमिया किसके शासन के अंतर्गत आता था, तो ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत आता था। और इसमें बहुसंख्यक जाति कौन थी, तो चेक जाति के जो है लोग जो है बहुसंख्यक थे। तो आपने क्या देखा कि पोलैंड में जो है पोलैंड में क्या क्रांति जो है प्रभाव किसका पड़ा, तो 1830 की क्रांति का प्रभाव जो है पोलैंड में पड़ा और रूस के खिलाफ 1863 में विद्रोह किए, परंतु इस विद्रोह में इंग्लैंड और फ्रांस का साथ नहीं मिला और इस विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। फिर बोहेमिया जो है ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत आता है और इसमें चेक जो है बहुसंख्यक जाति है। देखने वाले हैं यूनान में राष्ट्रीयता के उदय के परिणाम। तो यूनानी राज्य को क्या हुआ, एकीकरण हो गया, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, छोटे राज्य का भी उदय हुआ, ठीक है, छोटे राज्य का भी क्या हुआ, उदय हुआ। और 79वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि संकीर्ण राष्ट्र का निर्माण हुआ, मतलब देश जो है राष्ट्र जो है अपने एक दूसरे से जुड़ने लगे। और मैसूर के शासक जो एक टीपू सुल्तान थे जो 1889 क्रांति से प्रभावित हुए और उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। पूछ लेगा जैकोबिन क्लब की स्थापना कौन किए थे, टीपू सुल्तान जी किए थे। और श्रीरंगपटना में स्वतंत्रता के प्रतीक भी वृक्ष कौन लगवाया था, तो आपके टीपू सुल्तान भी लगाए थे। और इसमें राजा राम मोहन राय भी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में अपनी रुचि को दिखाई। फिर 1821 की नेपल्स की जो क्रांति हुई और उसमें जब विफलता मिली तो दुखी भी प्रकट किया गया। और 1823 के स्पेन की स्वतंत्रता आंदोलन में जब सफल मिला तो बहुत उत्सव भी किया गया। और इसी तरह भारत में भी 1857 की क्रांति भी हमें नजर आई। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर जो है समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इसमें जुड़े जो है जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे को देखा जाएगा। तो आप वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और कम से कम और अपना स्टेटस भी लगाइए व्हाट्सएप पर दोस्तों, और कम से कम दो लोगों को जरूर शेयर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।